हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस पौधे के बारे में बताने वाली हूँ उसका नेम है ऑर्नामेंटल कैले। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये 12 मंथ्स ऐसे ही रहने वाला पौधा है जो कि आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि लाइक इसे 10 to 12 आवर्स की धूप चाहिए होती है ताकि आपका पौधा ऐसे ही खूबसूरत बना रहे। ये पर्पल और ग्रीन कलर में आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और आपको वाइट एंड ग्रीन कलर में भी मिल जाएंगे। दो कलर्स में आपको ये मिल सकते हैं मार्केट में, और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप इसको अपने घर पे इजीली स्टोर करके रख सकते हो। आपको इसमें डेली लाइक वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें वीक में 1 to 2 times इसमें आप वाटरिंग कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो इसकी जो सॉइल है वो 1 to 2 inches तक ड्राई रहनी चाहिए, तभी ये पौधा आपका इतना खूबसूरत कलर में आ पाता है। फ्रेंड्स, ये 12 months ऐसे ही रहने वाला पौधा है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि आप इसकी प्लांटिंग तब कर सकते हो जब हम प्लांटिंग करते हैं। ये सबसे अच्छा इसका टाइमिंग जो है वो ठंडी का होता है, क्योंकि ठंडी में भी ये प्लांट सर्वाइव कर सकता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि प्लांट्स जो हैं वो आपकी ठंडी में भी सर्वाइव कर रहे हैं, गर्मी में भी, एंड एवरी मंथ। मतलब आपको ये पौधा ऐसे ही मिलेगा, बस आपको थोड़ी बहुत इसकी केयर करने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा इसमें वाटरिंग नहीं करना। खाद हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करते रहेंगे, हर वीक में एक बार आप दे सकते हो इसमें खाद, या फिर आप चाहो तो वीक में 2 times इसमें आप खाद का यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत कलर आया। मुझे बेसिकली पर्पल एंड ग्रीन कलर पसंद था, इसलिए मैंने ये कलर का चॉइस किया खुद की प्लांटिंग के लिए। काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। मैंने खाद के लिए, मैं अपना खाद खुद ही रेडी करती हूँ घर पे, और वो भी घरेलू चीज़ों से जो कि आपको आपके किचन में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। आपके किचन से ही आप अपने खाद को रेडी कर सकते हो। मैं इसकी प्लांटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, आप एग बॉईल करते हो उसका जो वाटर बच जाता है, आप सोचते हो इट्स अ वेस्टेज ऑफ वाटर, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। मैं उसके पानी को ही यूज़ करती हूँ एज अ खाद अपनी प्लांटिंग के लिए। आप देख सकते हो मेरा पौधा कितना खूबसूरत है। इस पौधे का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स अ ऑर्नामेंटल कैले, बहुत ही प्यारा पौधा। और बेसिकली आप चाय बनाते हो किचन में अपनी डे टू डे लाइफ में, उसकी जो आप चाय पत्ती बच जाती है, आप सोचते हो इट्स अ वेस्ट मटेरियल, बट मेरे लिए वो भी वेस्ट मटेरियल नहीं है। मैं उसको इस सॉइल के साथ मिक्स करके खाद रेडी करती हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा खाद रेडी हुआ है यहाँ पे। मिट्टी के साथ मैंने इसमें यूटिलाइज़ किया है फ्रेंड चाय पत्ती, जो वेस्ट मटेरियल था जिसे आप फेंक देते, मैंने उसकी मदद से ये खाद रेडी किया है। और यही खाद मैं अपने प्लांटिंग में भी यूज़ करती हूँ। आप देख रहे हो मेरा पौधा कितना खूबसूरत है, इसका कलर कितना प्यारा है। और बेसिकली मैं यही पौधा यूटिलाइज़ करती हूँ इसकी प्लांटिंग की ग्रोथ के लिए। बहुत ही खूबसूरत पौधा, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है मेरे पौधों का। तो फ्रेंड्स, बेसिकली से 10 to 12 आवर्स आप धूप दिखा रहे हो तो आपके प्लांटिंग के लिए अच्छा होगा, एंड आप इसे ठंड में भी रख सकते हो। इसे आप अपने घर पे भी, घर के अंदर भी रख सकते हो, घर के बाहर भी रख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ रखना चाहते हो फॉर योर डेकोरेशन पार्ट। तो मैंने अपने खाद भी, देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे खाद हुए हैं। यही खाद मैंने अपनी इस प्लांटिंग के लिए भी यूज़ किया है फ्रेंड्स, तो आप भी इसे यूज़ कीजिए और ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत पौधे उगाइए फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।